दोस्तों बचपन में हम सबको टेडीज़ और गुड़ियों का तो शौक़ होगा ही होगा। भले ही हम लड़के हों या लड़की, हम सबके पास एक ना एक गुड़िया तो होगी ही होगी। लेकिन कई बार यही शौक़ कुछ लोगों के लिए हानिकारक साबित हो जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कुछ गुड़ियाओं ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी और उनके ओनर्स को काफ़ी तंग करके रख दिया था, और लास्ट में उनके ओनर्स ने उन डॉल्स को डोनेट कर ही दिया। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही डॉल्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से अपने ओनर्स की जान लेने की कोशिश तक की थी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चार्ली द डॉल। दोस्तों एक फैमिली न्यूयॉर्क के एक पुराने घर में रहने गया था। वहाँ पर उसे एक पुराना संदूक मिला जिसके अंदर एक पीले पेपर में कुछ रैप किया हुआ था, और उस पीले पेपर के ऊपर प्रार्थनाएं लिखी हुई थी। दोस्तों जब उन्होंने इस पीले पेपर को खोल के देखा तब उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक डॉल है। उन्होंने ये डॉल अपने 5 बच्चों में से सबसे छोटे वाली बेटी को थमा दिया और उसकी बेटी काफ़ी खुश हो गई। जल्दी ही उन्होंने देखा कि घर में सामान टूटने फूटने लगा था, और उनकी सबसे छोटी बेटी ये कहती थी कि चार्ली डॉल उससे बात करता है। पेरेंट्स ने ये सोचकर उसकी बेटी को इग्नोर कर दिया कि वो अभी बहुत छोटी है और वो इमेजिनेशन कर रही है। पर जल्दी ही उन्होंने देखा कि उस छोटी बच्ची के पीठ पर और हाथों पर खरोंच के निशान होते थे, और जल्दी उन्होंने ये भी देखा कि चार्ली अपने आप एक रूम से दूसरे रूम में जाने लगा था। तो उन्होंने उस चार्ली डॉल को वापस संदूक के अंदर पैक करके रख दिया, और आज चार्ली द डॉल एक पुराने शॉप के शेल्फ पर रखा हुआ है। ये बात है साल 1918 की। एक लड़की जिसका नाम था इकिची सुजुकी, वो होकाइडो घूमने गई थी। होकाइडो में उसने एक सुंदर सी डॉल देखी और उसे अपनी छोटी बहन ओकिकु के लिए खरीद लिया। फिर इकिची की छोटी बहन ओकिकु ने उस डॉल का भी नाम ओकिकु रखा। एक दिन अचानक ओकिकु की मौत हो गई। फिर अगले कुछ दिनों बाद उसकी डॉल ने अजीब बर्ताव करना शुरू किया, जैसे वो कोई बेजान गुड़िया नहीं बल्कि जिंदा इंसान हो। अगर उसे किसी एक कमरे में रखा जाता तो थोड़ी देर बाद वो दूसरे कमरे में पाई जाती। उसके बाल भी किसी जिंदा इंसान की तरह बढ़ने लगे थे। इन विचित्र घटनाओं के बाद परिवार का विश्वास हो गया कि जरूर उस गुड़िया के अंदर उनकी बेटी ओकिकु की आत्मा बसी होगी, जिसके बाद उन्होंने इस गुड़िया को मनेंजी टेम्पल के पुजारियों के स्वाधीन कर दिया। दोस्तों क्या आप भी अपने दम पर पैसा कमाना चाहते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे फ्री फायर खेलते हुए? तो आपको डाउनलोड करना होगा विंजो ऐप। दोस्तों विंजो ऐप एक बहुत ही अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ्री फायर या फिर क्लैश रॉयल या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे गेम्स में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके हज़ारों रुपए तक कमा सकते हो, और यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों को ये ऐप रेफ़र करके उनसे ज्वाइन करवा के 5,000 रुपए तक कमा सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करें विंजो ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंडी द डॉल। मैंडी एक एंटीक डॉल है जिसे जर्मनी में 1910 से 1920 के बीच में बनाया गया था। दोस्तों इसके ओनर ने जब इसे खरीदा था तब उसे अजीब सी वाइब्स आना शुरू हो गई थी, और जल्दी ही ये वाइब्स सच भी होने लगी। दोस्तों उसके घर में जब भी वो डॉल रखी रहती थी तभी उसे ऐसा लगता था कि कोई रो रहा है, और कई बार तो उसे ऐसा लगा कि वो डॉल उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जल्दी ही डॉल ने खुद भी चलना फिरना शुरू कर दिया। वो अपने आप एक से दूसरे कमरे में आने जाने लगी थी। जल्दी ही उसने ये डॉल एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया, और उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि इस डॉल ने रोना भी बंद कर दिया, मानो जैसे उसे अपने ओनर से चिढ़ हो। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी म्यूजियम में आने जाने वाले लोगों को ये डॉल देखती रहती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसकी आंखें हिलती हैं। ये बात है साल 1970 की। एक स्टूडेंट नर्स को उसकी माँ ने बर्थडे पर गुड़िया गिफ्ट की। शुरुआत में उस नर्स को वो गुड़िया बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो लड़की समझ गई कि ये गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं है बल्कि एक प्रेत बाधित गुड़िया है,
और इस गुड़िया के अंदर एक मरी हुई लड़की जिसका नाम था एनाबेल, उसकी आत्मा जा बसी थी। फिर भी डरी हुई उस नर्स ने उस गुड़िया को अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो गुड़िया विचित्र बर्ताव करने लगी, जैसे कि अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, डरावनी चिट्ठियां लिखना और अन्य लोगों को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना। आखिरकार तंग आकर उस लड़की ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड वॉरेन से संपर्क साधा, जिन्होंने फिर उस लड़की को बताया कि उस गुड़िया के अंदर किसी छोटी लड़की की आत्मा नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान का साया है, इसीलिए उस गुड़िया को पास रखना बहुत खतरनाक है। डरी हुई उस लड़की ने फिर एनाबेल नामक उस गुड़िया को वॉरेन्स म्यूजियम के हवाले कर दिया। अमेंडा द डॉल। दोस्तों, अमेंडा एक बहुत ही फेमस डॉल है और ये ईबे पर कई बार ऑक्शन में आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा भी है, पर इसे खरीदने वाला ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाता। आधे साल के अंदर अंदर इसके हर एक खरीदने वाले ने इसे वापस बेच दिया, लेकिन जब ऐसा बार बार हो रहा था और सबको इससे कुछ अजीब वाइब्स आ रही थी, तब इसके फाइनल ओनर ने इसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को सौंप दिया और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इसे अटलांटा के जॉर्जिया ले गया, जहां पर आज ये एक केस में बंद है। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से आज भी उस केस में से खरोचने की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि वो डॉल बाहर निकलना चाहती हो। दोस्तों, हमारे कोलैबोरेशन का एक और पार्ट कुछ दिनों में आपको डार्क आवर स्टोरीज के चैनल पे मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में।